को सीधी तस्वीरें जर्मनी की दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं भारतीयों के बीच म्यूनिख स्टेडियम में, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं म्यूनिख से, ये लाइव तस्वीरें, क्योंकि सभी भारतीय यहां पर मौजूद हैं। जो प्रवासी भारतीय हैं वो आज बेहद खुश, और बेहद खुश इसलिए क्योंकि उनके देश के प्रधानमंत्री आज उनके बीच पहुंचे हैं, और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी की गई थी और तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखे गए थे। स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से पूरा हॉल, पूरा स्टेडियम भरा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ भारतीयों को संबोधित करते हुए कहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे बताया गया कि आप में से कई लोग आज बहुत दूर दूर से लंबा सफर तय करके यहां आए हुए हैं। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं। आपका ये स्नेह मैं कभी भूल नहीं चाहूंगा। आपके इस प्यार के लिए, इस उत्साह और उमंग के लिए मुझे पूरा विश्वास है, जो लोग हिंदुस्तान में इन खबरों को देखते होंगे उनका भी सीना गर्व से भर गया होगा। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है, जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे, अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी
भारत के कोने कोने में जीवंत है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। हर नागरिक का विश्वास है, उसकी आशा है और प्रत्येक नागरिक के जीवन को सशक्त कर रही है। भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता भरे देश में डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है। जिस तरह करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वो अभूतपूर्व है। आज भारत का हर गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से ज्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भारत के हर गरीब को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। भारतीयों के संकल्पों की ये सिद्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वह इस दौड़ में भी बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज
21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट से 40% ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। इक्कीसवीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब 50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं। आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है करना है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए,
विकास के लिए भारत अधीर है, अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको, भारत ने 2016 में तय किया था कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। अभी 2030 से हम 8 साल दूर है, लेकिन भारत ये लक्ष्य हासिल कर चुका है। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। ये लक्ष्य भी देश ने डेडलाइन से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। भारत में कोविड वैक्सीनेशन के स्पीड और स्केल से भी आप भली भांति परिचित हैं। आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे। तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप बल में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक समय था जब भारत साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात आठ साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज
ये 8 गुना अधिक बढ़कर 80 बिलियन डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी भारत के लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, पिछले साल हमने अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स नए अवसरों के लिए तैयार हो चुके हैं, वहीं दुनिया भी हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है। बीते ही वर्ष भारत ने 111 बिलियन डॉलर्स यानी 8,30,000 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। भारत के कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी 55% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। अगले साल हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट को और भी बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग इसमें काफी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारा एफडीआई इनफ्लो, विदेशी निवेश भी साल दर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथियों, जब किसी देश के नागरिक सबका प्रयास की भावना के साथ, जन भागीदारी की भावना के साथ राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने में जुड़ जाते हैं तो उन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों का भी साथ मिलने लग जाता है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। देशवासियों की संकल्प शक्ति से आज भारत प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे लोगों के संकल्पों से, उनकी भागीदारी से भारत के प्रयास आज जन आंदोलन बन रहे हैं। यही जो मुझे देश के भविष्य के लिए आश्वस्त करता है, भरोसा देता है। उदाहरण के तौर पर दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे शब्द चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन भारत के किसान खुद आगे आकर इसे जमीन पर उतार रहे हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज आज भारत में केवल सरकारी पॉलिसीज का मुद्दा नहीं है। भारत का युवा ईवी और ऐसी ही दूसरी प्रो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। सस्टेनेबल क्लाइमेट प्रैक्टिसेस आज भारत के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन रही है। 2014 तक भारत में खुले में शौच एक बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए।
आज स्वच्छता भारत में एक जीवन शैली बन रही है। भारत के लोग, भारत के युवा देश को स्वच्छ रखना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आज भारत के लोगों को भरोसा है कि उनका पैसा ईमानदारी से देश के लिए लग रहा है, भ्रष्टाचार की बैट नहीं चढ़ रहा है। और इसलिए देश में टैक्स कंप्लायंस तेजी से बढ़ रही है। ये किसी कानूनी प्रक्रिया के कारण नहीं है, बल्कि स्वतः स्फूर्त जागरण से हो रहा है। दोस्तों, साथियों, हम सभी भारतीय इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में भारत अभूतपूर्व इंक्लूसिवनेस और इससे प्रोत्साहित होने वाली करोड़ों एस्पिरेशंस का गवाह बन रहा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है। हमारी पॉलिसी स्पष्ट है और रिफॉर्म्स के लिए भरपूर कमिटमेंट है। 5 साल बाद हमें कहां पहुंचना है ये भी तय है और आने वाले 25 साल के लिए जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, 25 साल के बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल के लिए आत्मनिर्भरता का रोड मैप भी तैयार है। साथियों, वो दिन चले गए, साथियों वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस फंड CDRI के माध्यम से हम पूरी दुनिया को आपदाओं से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का लाभ दुनिया को दे सके। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा है। इसके लाभ भारत ने बीते 8 वर्ष में खुद अनुभव भी किए हैं। भारत में सोलर पावर की रिकॉर्ड कैपेसिटी तो बिल्ड हुई है, ये 2-2.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी जिस स्केल पर भारत काम कर रहा है, जर्मनी जैसे मित्र देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, तो उसमें भी मानवता का ही हित है। भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होने से भारत दुनिया की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का ग्लोबल सेंटर भी बन रहा है। साथियों, योग की ताकत क्या है ये तो आप भलीभांति जानते हैं। पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दिया है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का नया भारत नई विरासत बनाने पर काम कर रहा है।
नई विरासत बनाने के इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है हमारे नौजवान है, हमारा यूथ है। भारत के युवाओं को सशक्त करने के लिए 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी लेकर हम आए हैं। पहली बार भारत में मातृभाषा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का विकल्प दिया जा रहा है। जर्मनी में रहने वाले आप सब लोग तो जानते हैं कि मातृभाषा में डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ने का कितना लाभ होता है। अब यही लाभ भारत के युवाओं को भी मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप पर भी बहुत अधिक फोकस है। इसका जिक्र आज मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें जर्मनी के संस्थानों के लिए भी बहुत सारे अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीते दशकों में आपने मेहनत से, अपने काम से भारत की सशक्त छवि यहां बनाई है। आजादी के अमृतकाल में यानी आने वाले 25 साल में आपसे अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी है और भारत की सफलताओं के ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इसलिए मैं आप सब साथियों को, विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हमेशा कहता हूं कि आप राष्ट्रदूत हैं। सरकारी व्यवस्था में एक दो राजदूत होते हैं, मेरे तो करोड़ों राष्ट्रदूत हैं जो मेरे देश को आगे बढ़ाए। साथियों, आप सबने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिए, जो उत्साह और उमंग के साथ इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम मनाया, आप सबको मिलने का मुझे मौका मिला, इसलिए मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्वस्थ रहिए, खुशखुशहाल रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।